Hi everybody, welcome back to our another IELTS speaking video. This is our latest video for May to August, part one, inscets. This is the latest topic which is being asked, and if you're going to take exam in the month of July or in August, then this video is going to be really advantageous for you. So please watch this video till the end. And let me tell you, I'll also explain in Hindi so that everybody understands each and every piece of language very clearly. So let's start the video. Our first question is, how do you like insects? Means, aapko insects. Pehle aapko bata dun ki insects hote kya hain. I'm sure insects aapko pata hoga kya hote hain. Agar nahi pata, to insects means matlab jaise kide makode, cockroaches, और बीज, मक्खियाँ, ये सब इंसेक्ट्स होते हैं, राइट? सो हाउ डू यू लाइक इंसेक्ट्स? और इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, मैं आपके साथ दो आंसर शेयर करूंगा. पहला आंसर होगा 6 और 6.5 बैंड स्कोर लेवल का. दूसरा आंसर मैं आपके लिए शेयर करूंगा जो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, जिसमें थोड़ी सी ज़्यादा वोकैबुलरी होगी और थोड़ी एडवांस लेवल की लैंग्वेज होगी. अगर आप जीटी के स्टूडेंट हैं, अगर आप 7+ स्कोर करना चाहते हैं, तो आपके पास दो चॉइस होंगी इस वीडियो के अंदर. आपको 6 वाला लेवल आपको चाहिए या 7 वाला. सो दैट डिपेंड्स, जो आपको अच्छा लगे वो आप आंसर जो है यूज़ कर सकते हैं. सो 6 और 6.5 बैंड स्कोर लेवल, दैट इज आई डू नॉट लाइक इंसेक्ट्स. They are ugly and dirty. I also didn't like them in my childhood. Even I hate them now too. Do not like insects. मुझे insects पसंद नहीं है. यहाँ देखिए, इसमें जो main word है, जिसको बोलते हैं keyword. Keyword insect. इसकी pronunciation बहुत ही ज़्यादा important है. ये ना हो कि आप T इसमें ना pronounce करो. T pronounce करना ज़रूरी है. इंसेक्ट्स, सेक्ट्स, टी इसमें सुननी जरूरी है. सो मेक श्योर आप इसको सही प्रोनाउंस करें. मुझे इंसेक्ट्स पसंद नहीं है. देर अगली, अगली मीन्स जो चीज़ आपको बुरी लगती है, जिसको जैसे हिंदी का शब्द है भद्दा लगना, किसी चीज़ का मतलब बेकार लगना. माय गॉड, रियली आई हेट इट, मीन्स जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, ठीक है? अगली, बेकार लगना. अगली, जैसे अगली का एक और एग्जांपल है, अगली जैसे हो सकता है कि जैसे कोई राइस खा रहा है, कोई चावल खा रहा है और सब कुछ मिक्स करके और हाथों से खा रहा है. एंड यू से, ओह माय गॉड, दिस इज सो अगली. अगली मींस बेकार लगना. एंड डर्टी, डर्टी मींस अगेन गंदा, ठीक है? आई ऑल्सो डिडेंट लाइक दैम, ये पास्ट की लाइन है कि मैंने उन्हें पसंद नहीं किया. लाइक दैम इन माई चाइल्डहुड, मैंने अपने बचपन में भी इंसेक्ट्स को पसंद नहीं किया. ये नहीं है कि बचपन में आप बोलते थे कि मुझे कॉकरोचेस पसंद नहीं थे, और जब आप व्हेन यू आर ग्रोन अप एंड देन यू से, ओह वाओ, नाउ आई लव देम, अब मुझे कॉकरोचेस बहुत पसंद है, ऐसा नहीं है. सो यू से आई ऑल्सो डिडंट लाइक देम इन माई चाइल्डहुड, मुझे बचपन में भी पसंद नहीं थे, इवन, बल्कि आई हेट देम नाउ टू, अब भी मैं उन्हें नफरत करती हूँ या करता हूँ. सो ये है हमारा 6 लेवल का. नेक्स्ट वी हैव सेम क्वेश्चन, बट द बैंड स्कोर, द बैंड लेवल इज 7+. हाउ डू यू लाइक इंसेक्ट्स? टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, आई हैव बीन स्क्वीमिश सिंस माय चाइल्डहुड, सो आई लव इंसेक्ट्स, especially those which have several legs. This is because they're scary and freaky. To be brutally honest, अगर आप मेरी videos को काफ़ी time से देख रहे हैं, सो आपको पता होगा ये बहुत अच्छा phrase है. To be brutally honest, इसके जगह पर आप to be perfectly honest भी बोल सकते हैं. इसको आप starting में use कर सकते हैं answer देने से पहले. टू बी ब्रूटली का मतलब है कि आपको सर चाहे सुन के अच्छा लगे चाहे बुरा लगे मैम, लेकिन टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट ये चीज़ ऐसी है. टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, ठीक है? टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, आव बिन, आव, यहाँ पर आई हैव की कंट्रैक्शन है. जब भी स्पीकिंग में आपको आई हैव बोलना हो, सो जस्ट ट्राई टू से आव, आव. जैसे दे हैव, देव, वी हैव, वेव. जैसे ही इज की कंट्रैक्शन हैज, she is की contraction shiz, I would की contraction I'd, वैसे ही I have की contraction I've been, squeamish,
I've been squeamish. Squeamish एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है squeamish, it's an adjective, इसका मतलब है कि जिसको कोई भी गंदी चीज़ कहीं दिखे, कोई भी बेकार चीज़, and you say, ah, oh my god, really, I hate it, means मुझे पसंद नहीं है, right? So, in the sense like, पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ 1% ਵੀ. ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਨ ਸੇ ਦੈਟ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ. ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਇਟ, ਯਾ. ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਸਕਵੀਮਿਸ਼. ਸੋ ਸੇ ਆਈਵ ਬੀਨ ਸਕਵੀਮਿਸ਼ ਸਿੰਸ ਮਾਈ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਬਚਪਨ ਸੇ ਲੇਕਰ ਅਬ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਕਵੀਮਿਸ਼ ਹੂੰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗਰਮੀਆਂ ਮੇਂ ਦੇਖਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜੋ ਛਿਪਕਲੀਆਂ ਹੋਤੀ ਹੈ उनको कॉकरोचेस बहुत पसंद होते हैं, और जैसे ही छिपकली जैसे किसी कॉकरोच को खाने की कोशिश कर रही है, एंड यू लुक एट दैट एंड यू से ओ मैन, ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, मींस आपको अच्छा नहीं लगता, यू रिएक्ट, यू से आपको वॉमिट करने का मन करता है. सो दिस मींस यू आर अ स्क्वेमिश. ओके, सिंस माई चाइल्डहुड सो आई लोएथ, हेट. 6th लेवल पे मैंने वर्ड यूज किया था हेट, और हेट को अगर मुझे थोड़ा एडवांस लेवल पर लेकर जाना हो तो उसको आप बोल सकते हो लोएथ. लोएथ मींस नफरत करना बहुत ज्यादा. आई लोएथ किसी भी चीज को आप नफरत कर सकते हैं, ये वर्ब की फॉर्म है. आई लोएथ किसी चीज को नफरत की आपने, आई हेटेड, उसको आप बोल सकते हैं आई लोएथ्ड डैश. जैसे सुबह आपके घर पे सब्जी बनी और आपको बोलना है कि सुबह की सब्जी मुझे बहुत बुरी लगी. आई लोएथ्ड वेजिटेबल which I ate in the morning. Okay, I loathe insects, especially those, especially discourse marker hai, khas taur par those which have several legs, unki bahut sari legs hoti hai na, aapne dekha hoga, I'm sure. This is because ye aisa hai, jab bhi because bolna ho, because ki jagah par aap use kar rahe hain, this is because, aisa isliye hai kyunki they're scary. दे आर की यहां पर कंट्रैक्शन मैंने यूज की है. दे आर को जब आपको बोलना हो तो कोशिश करें देर 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 देर, जैसे वी आर वेर, जैसे बोलना हो वी आर नाइस, वर नाइस, वर नाइस, शी इज शिज, दे आर देर. देर स्कैरी एंड फ्रीकी. फ्रीकी मीन्स अजीब, मतलब स्कैरी होते हैं, स्कैरी मीन्स ड्रावने, फ्रीकी मीन्स अजीब, मतलब अजीब होते हैं थोड़े. Question number second. Okay, are there many different insects where you live? क्या बहुत सारे insects हैं जहां आप रहते हैं? 6 और 6.5 level का जो answer है, no. But there are cockroaches, mosquitoes in my house. Oftenly, I kill them and throw away because I feel so awkward when I see insects in my home. No. बिल्कुल सिंपल आंसर है, मतलब नो, बट देर आर, मतलब कुछ हैं ऐसे कॉकरोचेस हैं, जैसे मॉस्किटोज हैं, और ऑफनली, ऑफनली मीन्स अक्सर, आई किल देम, मैं उनको मार देता हूँ या मार देती हूँ और उनको मैं फेंक देता हूँ, राइट, बिकॉज आई फील सो ऑकवर्ड, मुझे थोड़ा बेकार लगता है, राइट, व्हेन आई सी इंसेक्ट्स इन माई होम. सेकेंड जो इसका आंसर है, देखिए मैं फिर से आपको बता दूँ, दोनों आंसर में से जो आपको ईजी लगे, अगर आप 6 बैंड्स को लेना चाहते हैं, हो सकता है आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, and your desired band score is 6, if you want to score 6, then aap 6 wala answer aap use kar sakte hain, agar 7 plus chahiye to aap 7 wala answer use kar sakte hain, jo aapko easy lage. Mujhe comment mein zarur batana ki sir 6 wala acha laga ya 7 wala acha laga, kaun sa aapko answer acha laga, so that iske alawa aur bhi main aisi videos taki bana sakun. Okay, second answer hai, as luck would have it, जहां पर आपको बोलना है fortunately, luckily, उसकी जगह पर आप यूज कर सकते हैं as luck would have it. जैसे आपको बोलना हो कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ था, right? My exam didn't go well. Luckily, I got 7 band score. लेकिन फिर भी मेरे luckily, किस्मत से, मतलब अच्छे, मतलब किस्मत से मेरा स्कोर अच्छा आ गया, तो वहां पर आप बोल सकते हैं My exam did not go well. As luck would have it. So as luck would have it means fortunately, as luck would have it, no, mind you, but की जगह पर आप use कर सकते हैं mind you एक discourse marker है, जब भी but use करना हो, basic but ना use करें, but की जगह पर कोशिश करें use करने की, mind you, having said that, that being said, nevertheless, however, or mind you, I could see some namely cockroaches, flies, mosquitoes, and such like. I could see हम लोग use करते हैं जहाँ पर आपको बोलना है कि ये मैं देख सकता हूँ. I could see means 100% sure नहीं है
कैन और कुड आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कैन कहाँ यूज़ करना चाहिए और कुड कहाँ यूज़ करना चाहिए। कैन हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ जो आप 100% श्योर हैं, जैसे मुझे किसी स्टूडेंट को बोलना हो, जैसे किसी स्टूडेंट का नाम है जॉन और मुझे बोलना हो, जॉन मुझे पता है तुम 7 बैंड स्कोर कर सकते हो, यू कैन स्कोर जॉन, यू कैन स्कोर 7, ओके मैं श्योर हूँ। लेकिन अगर मैं श्योर नहीं हूँ और मुझे कोई स्टूडेंट मुझसे पूछे सर मेरा लेवल 6 वाला है क्या मैं 9 स्कोर कर सकता हूँ, तो मैं बोलूँ कि हाँ पॉसिबिलिटी है, यू कुड स्कोर 9। तो यहाँ पर कुड 50% पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ हो रहा है, कैन और कुड, और कुड पास्ट में भी यूज़ होता है, जिसका मीनिंग जैसे अगर मैं हिंदी बताऊँ, सकता था, सकते थे, सकती थी, कल मैं नहीं आ सकता था, आई कुड नॉट कम यस्टरडे। सो ये प्रेजेंट में भी यूज़ होता है और पास्ट में भी यूज़ होता है। प्रेजेंट में 50% पॉसिबिलिटी, सो यहाँ पर जैसे इट्स बीइंग यूज्ड, आई कुड सी सम नेमली, नेमली डिस्कोर्स मार्कर है जब आपको चीज़ों का नाम लेना हो, नेमली कॉकरोचेस, फ्लाइज, मॉस्किटोज, और इसके बाद जब आपको बोलना हो सो ऑन या एटसेट्रा, ETC आपने देखा होगा, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ करने की कोशिश करें, उसकी जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं एंड सच लाइक, आई टेंड टू किल दैम, आई टेंड टू अ रियली यूजफुल एंड अ ब्यूटिफुल ग्रामर, आई टेंड टू आपको वहाँ यूज़ करना चाहिए जो काम आप अक्सर करते हैं। मैं अपनी वीडियोज़ में बहुत बोलता हूँ, जैसे अक्सर मुझे बोल रहा हूँ कि अक्सर मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, राइट, सो यूजली आई वेक अप एट 6 AM, उसकी जगह पर मैं ये बोल सकता हूँ आई टेंड टू वेक अप एट 6 AM, राइट, सो आई टेंड टू किल दैम, अक्सर मैं उनको मार देता हूँ एंड थ्रो अवे फ्रॉम माई हाउस। सो यह 7+, सो अगर आपको अच्छा लगा हो 7+ वाला, सो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक इंसेक्ट्स आर यूजफुल, क्या आपको लगता है कि इंसेक्ट्स यूजफुल होते हैं? 6 बैंड का जो लेवल है उसके लिए आप आंसर यूज कर सकते हैं, इन सम कंट्रीज प्रॉबली दे आर लाइक चाइना, बट आई पर्सनली बिलीव दे आरंट गुड फूड फॉर मैनी, एस्पेशली इन माई कंट्री इवन सम फाइंड इट्स अगेंस्ट देयर रिलीजन, ओके, सो इन सम कंट्रीज कुछ देशों में ऐसा है, प्रॉबली मीन्स शायद, जब भी आपको स्पीकिंग में शायद बोलना हो उसके लिए आप बोल सकते हैं प्रॉबली या फिर परहैप्स, प्रॉबली इट्स अ रियली ब्यूटिफुल वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है, प्रॉबली दे आर लाइक चाइना में है, बट आई पर्सनली बिलीव दे आरंट गुड, मुझे पर्सनली लगता है दे आरंट गुड फूड फॉर मैनी, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है, स्पेशली इन माई कंट्री, मतलब मेरी कंट्री में ये कल्चर के अगेंस्ट समझा जाता है, जो हो सकता है आप वेजिटेरियन हो, आप नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो एक नॉन वेज का ही पार्ट आ सकता है, राइट, सो आप इसे बोल सकते हैं कि इट्स अगेंस्ट देयर रिलीजन, मीन्स धर्म के खिलाफ है थोड़ा, राइट, सो वी आर नॉट अलाउड, हमें अलाउ नहीं किया जाता है, वी आर नॉट परमिटेड टू हैव दीज टाइप ऑफ थिंग्स, ओके, सो दिस इज अ 6 लेवल, लेट्स गो फॉर 7, ओके, इन अ वर्ड नो, In a word, no, insects are food in some countries. For instance, Thailand, China, and such like. That being said, entomophagus don't really appreciate it as food. All in all, they're a bit useful. In a word, no. बहुत ही ज़्यादा impressive तरीका है. किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको एकदम से यस बोलना है या नो बोलना है, सिंपल यस या नो बोलने के बजाय आप बोल सकते हैं इन ए वर्ड यस, इन ए वर्ड नो, मींस एक शब्द में अगर मैं बोलूं हां, एक शब्द में बोलूं ना, इन ए वर्ड यस, इन ए वर्ड नो, जैसे आज आपको बोले कोई ठीक है आपको बिना आईलेट्स के आपका वीजा लग जाएगा और पैसे भी आपके कम लगेंगे, या आपको अप्लाई करना है, एंड यू से इन ए वर्ड यस, राइट, और आपको कोई बोले ठीक है आपका पैसा भी बहुत ज़्यादा लगेगा और आपका आइल्स में है आपको 9 ईच स्कोर करना पड़ेगा, यानी से कि क्या आप अब भी अप्लाई करना चाहेंगे, यानी से इन अ वर्ड नो, सो इन अ वर्ड यस, इन अ वर्ड नो, इट्स अ ब्यूटिफुल वे ऑफ सेइंग और ऑफ रिप्लाइंग समथिंग वेरी क्विकली, ओके, इन अ वर्ड नो, इंसेक्ट्स आर फूड इन सम कंट्रीज, इंसेक्ट्स हाँ फूड हैं कुछ कंट्रीज में, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल देने की कोशिश करें अगर आप 7+ स्कोर करना चाहते हैं, राइट, सो फॉर इंस्टेंस थाईलैंड,
चाइना एंड सच लाइक, जैसे मैंने पीछे बताया था आपको कि जब भी आपको सो ऑन बोलना हो या एटसेट्रा बोलना हो तो उसकी जगह पर आप यूज कर सकते हैं सच लाइक, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है सच लाइक. ओके, दैट बीइंग सेड, ये यहां पर बट की जगह पर यूज हो रहा है. दैट बीइंग सेड, एंटामोफागस, एंटामोफागस इट्स रियली डिफिकल्ट प्रोनंसिएशन, इसकी प्रोनंसिएशन थोड़ी डिफिकल्ट है. इट्स एन एडजेक्टिव, इसका मतलब है जो लोग इंसेक्ट्स को खाते हैं या जिनको पसंद होता है उनको बोलते हैं एंटामोफागस, 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 राइट. मैं बार बार इसलिए बोल के दिखा रहा हूँ, हो सकता है आपको चार बार, पांच बार, छह बार आप सुनो बार बार ईयरफोन्स लगा के, तो आपको प्रोनंसिएशन आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए. डोंट रियली अप्रिशिएट इट, जब भी कोई किसी चीज को अप्रिशिएट नहीं करता है दिस मीन्स दे डोंट लाइक इट. ओके, सो अप्रिशिएट इट एज फूड, एज फूड वो पसंद नहीं करते हैं ज्यादा, राइट. ऑल इन ऑल, ओवरऑल लास्ट में अगर मैं कहूँ, दे आर वेरी यूजफुल, मतलब थोड़ी बहुत यूजफुल है. सो ये है आज की वीडियो. इसके अलावा If you want to take online IELTS classes, अगर आपको reading, writing, listening, speaking किसी भी चीज़ में अगर problem है and you want to take online IELTS classes, so मेरा WhatsApp number आप screen पे देख सकते हैं. Please feel free to contact. और हाँ, एक चीज़ और आपको मैं बोलना चाहूँगा, प्लीज़ comment करके मुझे ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने different वीडियो बनाया जिसमें मैंने दो आंसर आपके साथ शेयर किए हैं, एक 6 वाला है, एक 7 वाला है. सो प्लीज़ टेल मी इन द comment सेक्शन बिलो. एट द एंड ऑफ द वीडियो ऑल आई आस्क यू टू लीव अ लाइक एंड अ comment इन द comment सेक्शन बिलो. और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोज़. वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.